तो आप कहते हैं सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, तो आपसे बड़ी लड़ाई तो वामपंथ की पार्टियां लड़ी है, तो वामपंथ को कितना हिस्सा दीजिएगा? और सब हिस्सा तो अभी ईडी खोज रहा है। देखो, विधायक है ब्रह्मपुर बक्सर के, बताइए, शर्मसारे करने वाला नहीं सब चीज़ें है। नीलगाय उधर बड़ी आतंक रहता है, किसान वहाँ परेशान रहता है, अब वहाँ के विधायक के पास क्या जा रहा है? ईडी। अब ईडी क्या मामले का उद्भेदन करेगा? अब वो कहाँ नौकरी करते थे भी पता लगा लीजिए। चिराग पासवान जी का परसों या चौथा दिन का मुझे याद नहीं है, मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होना है, परिस्थितियाँ अलग हैं, हम लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। जहाँ तक मुझे स्मरण, बिहार सरकार के मंत्री बने थे, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे, कर्जा है यहाँ तक के नरेंद्र मोदी का उनके करेजा पर चढ़ा हुआ, कर्जा उतारने का समय है उनका, कर्जा उतारे न पहले, कर्जा न है उनके ऊपर, केंद्र में मंत्री बना के रखे इतने दिनों तक। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो दूसरे तरफ अभी तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग का जो पेच है अभी भी फंसा हुआ है। लेकिन वही यह भी कहा जा रहा है कि जदयू जिस सीट पर प्रत्याशी उतारेगी उस सीट पर आरजेडी बड़े ही मजबूती से जो है अपने प्रत्याशियों को उतारने जा रही है। हालांकि मुकाबला किस प्रकार का होगा ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा, लेकिन जदयू किस प्रकार से अपने ओर से तैयारी कर रही है, क्योंकि मुकाबला जो है आर पार की हो सकती है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री नीरज कुमार। अब आगे की चुनौती को कैसे देख रहे हैं? एनडीए के सीटों का बंटवारा हो गया, महागठबंधन के सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। आखिर पेच तो कहीं फंसा हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल का आधिकारिक नेतृत्व यह कहता हो अगर कि हम जदयू के खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे तो और के खिलाफ कमजोरी से लड़िएगा, यह बयान तो अपने आप में हास्यास्पद लगता है। भाई महागठबंधन के खिलाफ अगर एनडीए लड़ेगा तो एनडीए सब सीट पर लड़ेगा मजबूती से, अगर एनडीए के खिलाफ महागठबंधन लड़ेगा तो मजबूती से लड़ेगा। लेकिन सब में जदयू को ही ज्यादा चिंता है, जदयू से ही लड़ाई मुख्य जो है आरजेडी की है, और आरजेडी ही अपने प्रत्याशियों को इतना मान लिए ना कि जदयू की से ही लड़ाई होगा आरजेडी का, मान लिए ना इतना, हमारी भूमिका को नकारते थे, हमारी भूमिका को स्वीकार किया आपने। और महत्वपूर्ण विषय यह है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कौन है? कांग्रेस। तो कांग्रेस पार्टी 1925 में स्थापना हुआ, 2024 में उसको डबल डिजिट में दीजिएगा कि नहीं? सीट कितना दीजिएगा? याचक बना कर रख दिए है। और देश में 90 के दशक के बाद कौन नेता है जो पदयात्रा किया? राहुल गांधी जी ने पदयात्रा किया, बिहार में भी आकर के किया, तो कांग्रेस की दावेदारी होनी ही चाहिए। अब गरीब गुरबा की पार्टी आप कह रहे हैं, तो आप कहते हैं सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, तो आपसे बड़ी लड़ाई तो वामपंथ की पार्टियां लड़ी है, तो वामपंथ को कितना हिस्सा दीजिएगा? और सब हिस्सा तो अभी ईडी खोज रहा है। एगो विधायक है ब्रह्मपुर बक्सर के, बताइए, शर्मसारे करने वाला नहीं सब चीज़ें है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह वाला हाल है। अब विधायकों के यहाँ ईडी पहुँच रहा है, मैंने क्या था इनका प्रीवियस रिकॉर्ड निकाल लीजिए, ये कौन व्यवसाय करते थे, कौन नौकरी करते थे, पता चल जाएगा। आरोप है कि आप लोग तो बेवजह परेशान। तो हम तो कहते हैं, तो हम लोग के यहाँ का ही नहीं आता है सीबीआई ईडी, इन लोग के यहाँ ईडी कैसे पहुंच गया? वो ही ब्रह्मपुर में एकदम डियर का इलाका है, वो नीलगाय उधर बड़ी आतंक रहता है, किसान वहाँ परेशान रहता है, अब वहाँ के विधायक के पास क्या जा रहा है? ईडी। अब ईडी क्या मामले का उद्भेदन करेगा? अब वो कहाँ नौकरी करते थे भी पता लगा लीजिए। अब उनका जरा सा इनकम टैक्स इलेक्शन कमीशन को दिया गया डिटेल भी निकाल लीजिए, तब पता चल जाएगा कि कैसा ग्रोथ हुआ है सामाजिक न्याय का। सामाजिक न्याय के नाम पर क्या क्या जुर्म हुआ है इसका एहसास होगा।
लेकिन आप लोग कभी अभी तक तो प्रत्याशियों का चयन कहाँ आप लोग भी किए अभी हो जाएगा हम लोग यहाँ भी तो पेच फंसा हुआ है। कई जो नेता हैं विधायक भी खैर जिनको मंत्री नहीं बनाया गया है, बीजेपी के भी कई विधायक नाराज हैं, आप लोग में भी कई लोग ऐसे नाराज हैं, अगर उन्हें नहीं प्रत्याशी के तौर पर खड़ा किया जा सकता है तो हो सकता है कि वो आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व घटक दलों से बात किया है या उनको तय करना है। उम्मीदवार जनता दल यू अपना तय करेगा, लोजपा अपना तय करेगा, दूसरी पार्टी अपना अपना तय करेगी। इसलिए सीटों का तो चयन हो गया, कौन कहाँ लड़ेगा, अब कौन कहाँ उम्मीदवार होगा वह भी हो जाएगा जल्दी से। लेकिन चिराग पासवान तो नीतीश कुमार के नीतियों और सिद्धांतों को विरोध कर रहे हैं, अब कैसे समझौता करेंगे? तेजस्वी यादव कैसे प्रशंसा कर रहे थे कि नीतीश कुमार विश्वकर्मा है? अरे भाई चिराग पासवान जी का परसों या चौथा दिन का मुझे याद नहीं है, मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होना है, परिस्थितियां अलग हैं, हम लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, जहां तक मुझे स्मरण है। लेकिन उन्होंने उनसे भी कई बार हमने भी बातचीत की है, उनमें भी उन्होंने यही कहा कि उनके नीति और सिद्धांत से कभी भी हम समझौता नहीं कर सकते हैं। अरे भाई तब तो बिहार में तो साथ में मिलकर चुनाव लड़ना है ना, साथ में जब मिलकर चुनाव लड़ना है तो क्या कहिएगा, कहना तो पड़ेगा, ये तो राजनीति में गठबंधन तो आवश्यक है। एक समय में पशुपति पारस के नीतीश कुमार के करीबी बने थे, लेकिन आज उनका भविष्य नहीं 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 पारस जी हमारे नहीं, हम लोगों ने उनको मंत्री बनाया था, बिहार सरकार के मंत्री बने थे, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे, कर्जा है यहाँ तक के नरेंद्र मोदी का उनके करेजा पर चढ़ा हुआ, कर्जा उतारने का समय है उनका, कर्जा उतारे न पहले, कर्जा न है उनके ऊपर, केंद्र में मंत्री बना के रखे इतने दिनों तक, तो कर्जा उतारिए, 24 का चुनाव है, इससे अच्छा मौका कब मिलेगा। चर्चा है आरजेडी के साथ हाथ मिला सकते हैं तो कितना आप लोगों को नुकसान होगा? राष्ट्रीय जनता दल के साथ कोई हाथ कहाँ मिलाएंगे नहीं मिलाएंगे वो जाने, आप लोगों को नुकसान हो सकता है? ना कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जिम्मेदार बहुत लोग यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हैं, क्योंकि पशुपति पारस। अरे वो तो नीतीश जी के बिना भोजन नहीं पचता है, पत्ता हिलेगा ना तो कहे नीतीश कुमार पत्ता हिला दिए, पेड़ गिरा ना तो नीतीश कुमार पेड़ गिरा दिए। अरे भाई ये आपके दल का अंदरूनी मामला है, इससे हम लोग का क्या लेना देना है? कई मुद्दों को तेजस्वी यादव ने भी भंजाने का कोशिश किया है और आगे आने वाले चुनाव में भी आप लोगों को बहुत कुछ चुनौती मिल सकता है। हर प्रश्न का जवाब देने के लिए एनडीए तैयार रहेगा, हर दिन हर समय हर मुकाम पर जवाब देने को तैयार रही। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का, इस पर बस इतना ही। आप क्या सोचते हैं अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।